बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हिमालय के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से दो तरह के क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किए थे, एक तो भौगोलिक वर्गीकरण और दूसरा उसका प्रादेशिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक वर्गीकरण में हम लोगों ने चार तरह के प्रकार देखे थे हिमालय के, जिसका वर्गीकरण ओएचके स्पेड ने किया था, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेट या इनर हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय, सब हिमालय, जिसको हम उप हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन सिडनी ब्रॉड का था, जो प्रादेशिक स्तर पर उन्होंने नदियों को खास तौर से आधार माना और नदियों के मध्य के हिमालय के भाग को अलग अलग नाम दिया, जैसे सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को उन्होंने पंजाब हिमालय कहा, सतलज और काली के बीच को उन्होंने कुमाऊं हिमालय कहा, और काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा को आसाम हिमालय। जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखेगा, इस मानचित्र को आप देखें तो आपके रीजनल डिवीजन हिमालय का पता चल जाएगा, ये सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और ये काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में ये जो नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये असम हिमालय, इस तरह का वर्गीकरण उन्होंने किया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं का, डिटेल डिस्कशन खासतौर से हिमालय का। तो जो चार क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने ओएचके स्पेड ने, जिसमें से ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात की थी, तो हम उसमें से आइए एक एक करके आपसे शेयर करते हैं, एक एक का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तो पहला जो हिमालय, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है परा, जिसको हम कह सकते हैं उस पार, जिसको हम कह सकते हैं, ये हिमालय खासतौर से जो मुख्य हिमालय है हमारा ग्रेट हिमालय, उसके उत्तर में स्थित है, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, और इसकी खोज जो है वो स्वयं हेडन ने 1906 में की थी ट्रांस हिमालय की, जो खास तौर से जहाँ हमारे वो सारे पार्ट है रिलीजियस पार्ट। तो इसमें लिखा इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, यानी जो महान हिमालय उसके जस्ट उत्तर में स्थित ये ट्रांस हिमालय है, जिसकी खोज स्वयं हेडन ने 1906 में की थी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस हिमालय लाइज इन द तिब्बत, यानी इसका अधिकांश हिस्सा तिब्बत में पाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय के साथ साथ तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ये तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है इसका नाम ट्रांस हिमालय का। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है, यानी ज्यादा लंबा नहीं है, तिब्बत में ही विस्तृत है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो 40 से लेके 225 किलोमीटर के लगभग है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो जो रेंजेस होती हैं वो कैसे आपस में अलग होती हैं, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय दोनों को अलग करने वाला जो है वो इंडो सांपो सल्चर जोन, सांपो का मतलब इसी ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहाँ, चीन में इसको सांपो कहते हैं, तो इंडस और सांपो, इंडो और सांपो सल्चर जोन जो है इसके ये बीच में स्थित है, उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय और उसके दक्षिण में महान हिमालय, यही जो है वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी स्थित है। अब इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत की श्रेणियां पाई जाती हैं हम देखें, इसमें जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश मानसरोवर जिसे हम कहते हैं, काराकोरम रेंज, ये चार प्रमुख श्रेणियां हैं, जस्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। अगर हम मानचित्र देखें इसका, जैसा कि हमने पिछले मानचित्र में देखा था, यहां देखें आप, तो ये दिख रहा आपको काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, ये जस्कर माउंटेन, और जब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ, ये कैलाश रेंज इसमें आती है, ठीक है। तो ये जो कैलाश रेंज है और ये काराकोरम, यहाँ आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये कैलाश, यही कैलाश मानसरोवर जो है वो झील है, और यहीं से फिर ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, जो आपको ये थोड़ी सी फिरोजी कलर की लाइन दिख रही है। तो माउंटेन की रेंजेस अगर हम देखें तो बिल्कुल ये नॉर्थ में स्थित काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, और आगे फिर इसी में लद्दाख के आगे का जो हिस्सा है, यहाँ ये कैलाश रेंज कहलाती है, जहाँ कैलाश मानसरोवर झील है, ये चीजें हैं इस मानचित्र से आपको देखें। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ काराकोरम रेंज के बारे में लिखा है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, यानी उच्च एशिया की रीढ़ का किसने, इन्हीं स्वयं हेडन ने, जिसने ट्रांस हिमालय की खोज की, उन्होंने काराकोरम रेंज को क्या कहा कि ये हाई एशिया की क्या है, बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। अब जो पर्वत की एक विशेषता होती है, इसमें कुछ
चोटियां भी बड़ी विश्व की उच्चतम चोटियों में से भी यहाँ पाई जाती हैं। खास तौर से यहाँ देखें इंपॉर्टेंट भी लिखा K2, K2 को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम रेंज की चोटी है, हमारा जो काराकोरम रेंज है इसकी चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। और उसके बाद हम देखें इसमें गशेर ब्रह्म, मशेर ब्रह्म, ये प्रमुख चोटियां। अगर मानचित्र में देखें तो आपको इस मानचित्र में दिखेगी कि ये गशेर ब्रह्म और मशेर ब्रह्म वगैरह कहाँ है। आप देखें ये केटू, ये काराकोरम की केटू जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये हमारी गशेर ब्रह्म और ये हमारी मशेर ब्रह्म, ये सारी जो रेंज है वो इसी ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जिन जो विश्व की उच्चतम चोटियों में से खासतौर से K2 भारत की सर्वोच्च चोटी कही जाती है गॉडविन ऑस्टिन। हालांकि विश्व की सर्वोच्च चोटी तो है हमारे माउंट एवरेस्ट, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी भारत की गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम माउंट K2 भी कहते हैं काराकोरम रेंज में, यानी जो बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इस पर्वतीय भूभाग में बहुत सारे हिमनद भी पाए जाते हैं जिनकी कई किलोमीटर की लंबाई है, जिनमें प्रमुख नाम है बालतोरो का, बायफो का और हिस्पर। ये बालतोरो, बायफो, हिस्पर आदि प्रमुख ग्लेशियर्स इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं, चाहे वो उत्तर की तरफ हो चाहे दक्षिण की तरफ हो, इन्हीं ग्लेशियर से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता है। अब ये हिस्सा चूंकि बहुत ऊंचाई वाला हिस्सा है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे है, तो ऐसे हिस्से में जाहिर है यहाँ जो है वो लगभग परमाफ्रास्ट की स्थिति होती है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बर्फ़ जमा होती है, बर्फ़ जमा होने के नाते यहाँ किसी प्रकार की मतलब वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो भी ग्रीष्म काल में। कभी कभी जब ये हिमनद पिघलते हैं तो उनके निचले एरियाज में कुछ जो है वो लीचेंस और एल्गीज और कुछ इस तरह के छोटे छोटे कोनिफर्स टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये वाला हिस्सा एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के नाते, यानी ट्रांस हिमालय जो है बड़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या भी न्यूनतम पाई जाती है, लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है इस ट्रांस हिमालय में, इसीलिए ये विकसित क्षेत्र भी नहीं है। तो इस प्रकार ये हिमालय का वो हिस्सा है जो हमारे आर्थिक दृश्य, मानव के अधिवास के दृश्य, आवागमन के दृश्य, वनस्पतियों के दृश्य, ये लगभग बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ जाना भी आसान काम नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इसके चूँकि कोई संसाधन वगैरह नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम है, रेयर पॉपुलेशन है, इसलिए यह हिस्सा कोई बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है हिमालय का। बाकी जो दूसरा पार्ट है उसको हम कल आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे, आज हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे।